नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। यूपी के रायबरेली में ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। यहां पर डंपर चालक ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाल दी। शुक्र था कि ड्राइवर की नजर पड़ गई और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 20 फीट पहले ही रोक दिया। आपको बता दें, लोको पायलट संजीव कुमार और को पायलट सौरभ सिंह की सूझबूझ से ये हादसा रुक गया। ट्रैक से मिट्टी हटवाई गई, ट्रेन को धीमी गति से आगे बढ़ाकर स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर गई और जांच पड़ताल की। रेलवे ने घटना के जांच के आदेश दिए। ट्रेन रायबरेली से कानपुर जा रही थी। ट्रेन के गार्ड शिवेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रेन आउटर पर थी, इसलिए स्पीड कम थी। यही वजह है कि पायलट की नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ गई। उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। अगर ट्रेन की रफ्तार तेज होती तो डेरेलमेंट हो सकता था। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। वहीं खीरो थाना के प्रभारी निरीक्षक SHO देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि डंपर से रेल पटरी पर कुछ मिट्टी गिरी थी, जिसे हटवा दिया गया है। मिट्टी हटाने के बाद ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया है।